कर रहे हैं आपके प्यार के लिए कर रहे हैं एंड सो कीप लविंग अस यस कीप लविंग अस एंड कीप वॉचिंग अस बिकॉज आप लोगों की वजह से ही तो हमारा शो अभी है आपका शो भी आई थिंक सोनी लिव जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा है क्योंकि अक्सर हम शोज मिस कर देते हैं कुछ ना कुछ फिर सोनी लिव पे देखते हैं या फिर ऑनलाइन हम ऑब्वियसली आजकल ऑनलाइन ज़्यादा देखते हैं तो इट्स गुड कि सोनी लिव ने अपना ये ब्रांड स्टार्ट किया है सो दैट हम वहाँ पे देख सकते हैं मतलब आप कभी भी हमारा शो मिस नहीं करोगे आज नहीं तो कल आप कभी भी देख सकते हो एट योर ओन कन्वीनियंस जैसे आपने कहा ऑनलाइन देखते हैं अभी सब कुछ डिजिटल नहीं इट्स लाइक स्टिल यू नो कि बहुत सारी जो पब्लिक है बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं वो अभी इतना डिजिटल है अभी वो मिस करेंगे तो वो डिजिटली ज़रूर देख सकते हैं बट अभी भी टी वी हैज़ इट्स चार्म यार गया थोड़ी है एंड आई थिंक सोनी लिव पर आप सोनी लाइव भी देख सकते हो मतलब उसी वक्त भी देख सकते हो अगर 8:30 बजे आप घर पर नहीं हो तो आप अपने फ़ोन पे सोनी लिव ऐप पर लाइव हमारा शो उसी वक्त 8:30 बजे भी देख सकते हो मतलब आपको बाद में देखना भी ज़रूरी है तो आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो रेजोल्यूशन जैसे तो है नहीं बट एक ही थॉट है कि बस इस साल जितनी मेहनत की उससे दुगनी मेहनत अगले साल करेंगे और दुगना प्यार आपसे पाएंगे कोई पर्सनल बैड हैबिट है आपकी जिसमें मेरी एक बैड हैबिट है यार मैं सिर्फ घर का खाना खाता हूँ बाहर का खाना नहीं खाता तो आई थिंक 2017 में थोड़ा कुछ कोशिश करेंगे एंड यू अगर मुझे अपनी बैड हैबिट्स लिखनी हो तो फिर इतनी लंबी लिस्ट है कि इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा इसलिए I think I should be happy with everything. नहीं नहीं ये तो मजाक करिए बहुत ही गुड गर्ल है इसकी कोई बैड हैबिट्स नहीं फैंस के लिए आप क्या विश करेंगे 2017 के लिए नए साल के लिए वी विश कि हम आपको अच्छे से एंटरटेन कर सकें आप लोग हमें पसंद करें और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए सिर्फ 31st नहीं बट पूरा साल एंजॉय कीजिए हर रोज पार्टी कीजिए थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है हम लोग बहुत खुश हैं और इसमें एकदम फुल्लू धमाल एंटरटेनमेंट होने वाला है आपके हाथ में जो सारा पावर है सोनी पे दे दिया गया बड़ा मतलब आया फोन के अंदर और जो आपको देखना आप उसी समय देख सकते हैं बहुत जबरदस्त चीज होने जा रही है आज यहाँ पर जो पार्टी हो रही है वो तो एकदम मस्त मजे की आज मैंने रोशन को बोल दिया अगर इसने पार्टी शार्टी की तो मैं भी पार्टी शार्टी करने वाली हूँ पार्टी शार्टी करके ड्राइव करने वाली हूँ समझा कि नहीं समझा रोशन अरेंज कर देंगे बहुत फ्रेंड्स एंड ऑल दोज पीपल हुम यू हैव वर्क्ड विद एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम और द अदर एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड और जैसे जिस तरीके से धीरे धीरे दुनिया फ़ोन में आ गया है दिस इज़ वन मोर एडिशन टू इट और अ बेटर वर्जन ऑफ व्हाट इट वॉज तो अभी तो पैसा भी फ़ोन में आ गया है तो देखिए पर्स वर्स भी लोग कैरी नहीं करते सिर्फ एक फ़ोन कैरी कर लेते यहीं पे टीवी देख लेते यहीं से खर्चा कर देते यही कहना चाहूँगी कि वजह तुम हो जाके देखिए बिकॉज वो फिल्म देखने की बहुत सारी वजह है देर इज़ गुरमी एंड देन द फिल्म इज़ ऑसम मैंने खुद देखा है और मैं चाहूँगी कि आप लोग देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग कहानी है और एंड इट इज़ लवली वजह तुम हो इट्स ऑलवेज अमेजिंग सच एन अमेजिंग फीलिंग बिकॉज हमने तारक मेहता आज 8.5 साल पहले शुरू किया था कभी हमने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी सक्सेस होगी सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई रियली होप दैट पीपल कीप लविंग अस लाइक दिस ऑल द टाइम इंडियन आइडल दोबारा आ रहा है गेट रेडी इट्स कमिंग ऑन 24 दिसंबर एवरी नाइट ऑन सोनी एट 8 एंड 8 पीएम एंड 9 पीएम लेट मी टेल यू आई सोनू एंड फरहान वी आर कमिंग बैक आफ्टर 12 इयर्स और एक्साइटमेंट इज पैल्पेबल लोग इंतजार कर रहे हैं इनफैक्ट पीपल आर मीटिंग में से वी आर काउंटिंग द डेज बोले कितने दिन रह गए 8 डेज सो दे काउंटिंग द डेज एंड द टैलेंट इज अमेजिंग शॉपिंग ई-कॉमर्स हो चुका है पैसा कैशलेस हो चुका है इकोनॉमी वैसे एंटरटेनमेंट भी केबललेस हो गया लेकिन मैं रंग बदलना बड़ा ज़रूरी है जब नोट का रंग बदल गया तो लोगों का रंग तो बदलना ही चाहिए नियरबाय 31st न्यू ईयर ईव इज नियरबाय एंड वी ऑल लिव टू एंटरटेन यू एंड वी ऑल लव यू सबकी
तरफ से, सबकी ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी सबकी ओर से हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस, हंसते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि हमें आपको एंटरटेन करने में बहुत मजा आता है। थैंक यू। मैं नए साल के लिए भी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमेशा सतर्क और अलर्ट रहें हर चीज़ के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम बार बार ये कहते रहते हैं अपने शो में भी कि हम अपने बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन अगर अपने आसपास के बारे में भी थोड़ा सा सोच लेंगे तो बहुत अच्छा।